अच्छा मालती चौहान आपको दिखाई दे देगी? बिल्कुल। मरने के बाद, जलने के बाद भी? हाँ। क्या आप मालती चौहान की आत्मा के सामने बैठ कर सिद्धि करेंगे? बिल्कुल करेंगे हम। हाँ, हाँ। मालती चौहान जो है फांसी के फंदा लगा के मरी है, तो इसमें शांति नहीं मिलेगी, आत्मा शांति नहीं मिलेगी? अभी नहीं मिलेगी। अभी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी बाबा? क्या सच में बाबा आत्मा होती है क्या? हाँ होती है। आपने देखा आत्मा को? बिल्कुल देखा हूँ। कहाँ देखा है? यही देखा हूँ, शमशान में। इंसान मर जाए उसको आप लोग खा जाते हैं? जब भूजा रहेगा मांस खाएंगे। बाबा थोड़ा बात करेंगे आपसे हम। क्या नाम होगा आपका? शेरू। क्या करते हैं आप यहाँ पे? बस यहाँ पे नहीं रहते, उस पार रहते हैं। अघोरी बाबा है आप? हाँ अघोरी बाबा है। अघोरी बाबा को लोग बोलते हैं कि मांस खा जाते हैं, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? अघोरी बाबा में तीन अघोरी बाबा रहते हैं। अच्छा, कौन से बाबा मांस खा जाते हैं? वो रहते हैं अघोर बाबा। हाँ, और कौन कौन से मांस खाते हैं वो लोग? मांस खाते तो मुर्दा, मुर्दा डायरेक्ट खा जाते हैं? डायरेक्ट, यानी कि इंसान मर जाए उसको आप लोग खा जाते हैं? जब भूजा रहेगा मांस खाएंगे, सिद्धि करते हैं लोग। अच्छा, सिद्ध करते हैं आप लोग? हाँ। और मंत्र से उसको सिद्ध किया जाता है? हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोग हैं कि अघोरी बाबा को देखकर डर जाते हैं। हाँ। क्या कहेगा इस पे? उन लोगों से क्या बोलिएगा? ये हमारे अघोरी बाबा से डरते हैं सब, उनको बोलते हैं बहुत ज्यादा। हाँ। गाली भी देते हैं, मारते हाँ। भी हैं। हाँ। मगर तो उन लोग को समझते नहीं है। क्या अघोरी बाबा नशा भी करते हैं? नशा तो करेंगे। हाँ, गांजा। और एक बात मैं और पूछूंगा कि लाश के सामने आप लोग बैठ जाते हैं, डरने लगता है आप लोगों को? क्यों डरने लगता है? सब अपना है चीज। हाँ, सब अपने है चीज। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि इंसान के सामने इंसान बैठा हुआ है और वो इंसान जो गुजर गया वो हमारे सामने जल रहा है? वो सब आत्मा है, सब वो सब आत्मा है। क्या सच में बाबा आत्मा होती है क्या? हाँ होती है। आपने देखा आत्मा को? बिल्कुल देखा हूँ। कहाँ देखा है? यही देखा हूँ, शमशान में। अच्छा, मतलब आत्मा आपके देखने से है अभी दुनिया? अपनी आत्मा होती है ना। अच्छा अच्छा, जैसे कोई मर गया है। हाँ। उसकी भी आत्मा वही। अभी एक लाश पड़ा हुआ है मालती चौहान का, जो समझिए यूपी और बिहार में पूरा फेमस यूट्यूबर थी, काफी लोग उसके फैन, देखिए सारे लोग जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं सभी लोग उसके फैन थे। क्या इनकी आत्मा कभी आपको दिखाई देगी? क्यों दिखाई देगी? देखो जल रही है ना उस अग्नि में, जो ध्यान से रहेगा आदमी। अच्छा, दिखाई देगी वो? अच्छा, मालती चौहान आपको दिखाई दे देगी? बिल्कुल। मरने के बाद, जलने के बाद भी? हाँ, जब लग वो सिद्ध नहीं हो पाएगा उनकी आत्मा। अच्छा, जब लग भंडारा हुआ सब कुछ हुआ उनकी आत्मा सिद्धि हो जाती तब जाके परम में जाती हो। क्या मरने के बाद 12 दिन जो काम किया जाता है रहती है वो रहती है? हाँ जी, बोला जाता है कि 12 दिन तक उनकी आत्मा जो है उनके घर पे भटकती है, जहाँ पे है वहाँ भटकती है। ये हमारे भटकती है वो है। हाँ। जब अलग उनका क्रिया कर्म नहीं हो पाएगा। हाँ। तब अलग वो साथ में रहती हैं। ये जो लाश आया हुआ है यहाँ पे मालती चौहान का, इन्होंने खुदकुशी किया है, यानी कि इनको मारा गया या कैसे किया गया तो जांच का विषय बनता है, लेकिन इन्होंने फांसी लगा करके दिखाया गया कि इनको लटकाया गया था कमरे में। तो मैं बता दूं कि ये फांसी लगाकर आने वाले लोग कहाँ जाते हैं? नहीं, हम नहीं कहेंगे ना सब। नहीं नहीं, कहाँ जाते हैं लोग आखिरकार? इतनी मतलब गंदी तरीके से अपनी मौत को ले लेते हैं, अंजाम देते हैं, ये लोग कहाँ जाते हैं? ये हमारे जब दुख होता है, तकलीफ होता है, तब वो अपना क्या इस तरह का अंजाम देना चाहिए? नहीं, इस तरह का नहीं देना चाहिए। इंसान का जिंदगी में इतना बड़ा दुख कैसे आ जाता है कि भैया अपने आप को मार देते हैं? वो अपने आदमी दुख देते हैं, अपने है आदमी। हाँ हाँ, तभी लोग मर जाते हैं। तभी मर जाते हैं। तो क्या कहेगा इस आत्मा के लिए, मालती चौहान के लिए क्या बोलिएगा? इनके लिए बोले तो उनकी आत्मा को शांति मिले। आत्मा को शांति मिले। हाँ। और क्या आप मालती चौहान की आत्मा के सामने बैठ कर सिद्धि करेंगे? बिल्कुल करेंगे हम। हाँ हाँ, आप सिद्ध करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मतलब यहाँ पे जितने लाशें जड़ती है सभी को सिद्ध आप लोग करते हैं? हाँ सबको। लेकिन आप नहीं खाते हैं उस चीज? नहीं खाते नहीं है। हाँ, थोड़ा मोड़ा मदरा लगा लेते हैं वही रात को। अच्छा, रात को लगाते हैं। हाँ, अभी देखा रात भर हम थे हम लोग। हाँ हाँ, ठीक है। इसके मतलब देखो हम लोग जा रहे हैं, वो आई है ना स्त्री आई, उनको भाई सिद्ध। सरकार से आप लोगों को कोई मतलब ऑफर वगैरह मिलता है? सरकार हमसे मिलता नहीं है। हाँ। सरकार मिलता अघोर से। हाँ। तो वो बात उनकी होती है। क्या सरकार के नजरों में जो है अघोर का कोई महत्व नहीं है? अब जब इस कलयुग में इज्जत ही नहीं है अघोर के। हाँ। तब कैसे बताएं हम? लोग बोलते हैं कि अघोरी बाबा जो होते हैं वो डायरेक्ट भगवान जो हमारे शिव भगवान है उनके रूप होते हैं, रूप उनके अवतार होते हैं। हाँ होते हैं अवतार, बाकी तो उन लोग समझते नहीं है, कहते हैं साला अघोर है भाई, तो कहीं के पाखंडी है ऐसे बोलते हैं। बहुत कोई अघोरी सही रहता है। हाँ। हर अघोरी नहीं से रहता। अच्छा। सही है, ठीक है। और देखिए आज जमीन से बात की है, देखिए आप लोग डरिए मत, अघोरी बाबा लोग सब डरिए मत, क्योंकि ये भी इंसान है और हम भी इंसान है, और इंसान जलते हैं उनके सामने बैठ के सिद्ध करते हैं। हाँ। और कहीं कहीं इनके साथ बहुत सारे बाबा है जो मांस खाते रहते हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि हम भी उसमें से कुछ दाना ले लेते हैं। हाँ। है ना। हाँ, बैठते हैं। हाँ। हमारे सब है ना, सब तो हमारे हैं, सब हमारे हैं। हाँ, भक्त भी हुआ, भगत भी हुआ, असाधु भी हुआ, असंत भी हुआ,
अघोर भी हुआ, सब एक बराबर समझो। लेकिन आपके गुरु जो है एक महादेव है, महाकाल है, हाँ। उनके सिवा कोई नहीं, जिसको बोलते सदगुरु, सदगुरु बोलते हैं, वही महादेव हैं। महादेव है, हाँ। महादेव से बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं है, हाँ। इस पृथ्वी पे कोई, हाँ। है नहीं है। और डरने लगता है आप लोगों को, मतलब लाश के सामने बैठ जाओ, डर ना लगा ला, जैसे आप हैं, हाँ। वैसे प्रेत हैं, हाँ। जैसे आप बोल रहे हैं वैसे बतियाते हैं। लेकिन बाबा डॉक्टर नहीं मानते हैं प्रेत भूत को, डॉक्टर नहीं मानते है ना, हाँ। यह नहीं मानते हैं, उन लोग भी होता तकलीफ, हाँ। वो भी हो जाते हैं बीमार। अच्छा अच्छा, जब भूत प्रेत नहीं मानते, कहने का मतलब वो विज्ञान पढ़े होते हैं, वो किताबों के साये में जैसे उलझे होते हैं। अकाल मौत मरती है, हाँ। तो उसकी आत्मिक शांति नहीं मिलती है। अच्छा अच्छा, अकाल मौत अगर मरती, अगर उम्र से पहले आप मर जाते हैं, हाँ। तो आपको शांति नहीं मिलेगी। जैसे एक्सीडेंट हुआ, हाँ। कोई जहर खा के मर गया, हाँ। कोई फसली लगा के मर गया, उसकी, हाँ। आत्मिक शांति नहीं मिलती है, हाँ। जब लोग उसका कर्मठ करीवित नहीं हो पाता है होम। अब ये मालती चौहान जो है, हाँ। फांसी के फंदा लगा के मरी है, तो इसमें शांति नहीं मिलेगी, आत्मा शांति नहीं मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, अभी कब मिलेगी बाबा शांति? जब वो चाहेंगे तब उनके घर वाले, पूरा परिवार, पूरे परिवार चाहेंगे तब मालती चौहान की आत्मा शांति मिलेगी, हाँ। सिद्ध किया जाएगा तब मिलेगी, हाँ, मिलेगी, हाँ। वो भी, हाँ। कोई रहेगा साधु संत रहेगा, चाहे कोई अघोर रहेगा, हाँ। तो उसको शांति देगा, वो शांति देगा, तब, हाँ। जाकर शांति होगी, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और इस बात से बहुत खुशी हुई कि मुझे स्वयं महादेव का दर्शन हो गया। अरे नहीं नारायण, आप तो विष्णु भगवान है, ठीक है, ठीक है, अरे कोई कोई उनको समझा, आशीर्वाद दे दीजिए हमको, आशीर्वाद दीजिए, हाँ। आशीर्वाद देखिए बाबा से हम आशीर्वाद लिए है, और बहुत ऐसी बातें बाबा ने बताया है। हम उस पार के रहने वाले है, भुंदरवा बाबा, थोड़ा अघोर है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, हम नहीं कहेंगे हम बड़ा है, लेकिन अंश तो उन्हीं का है ना, अंश तो उन्हीं का है, महादेव का अंश है, आप लोग चाहे उनके चरणों में रहे, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे उनके गोद में रहे, ठीक है, बिल्कुल, हाँ। और देखिए बाबा हमारे साथ बहुत अच्छे से बात की, चित किया, और बोले हैं कि अगर जो लोग अकाल मृत्यु मर जाते हैं, यानी कि जैसे मालती चौहान गई है, इनकी आत्मा को शांति जब तक नहीं मिलेगी तब तक इनके परिवार लोग नहीं चाहेंगे, जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक, तो आप लोग देखते रहे इस वीडियो को, क्या सोचते हैं बाबा के बारे में और इस मालती चौहान के बारे में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।